हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैटकेम क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम लोग अपनी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, क्लेडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम लोग ये पढ़ रहे हैं चैप्टर, और इसके हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, और आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है चैप्टर नंबर 5 का। और आज हम लोग इस चैप्टर को कम्प्लीटली रीड कर लेंगे, और साथ ही साथ इस टॉपिक के, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं बुक के, उन क्वेश्चंस को भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लेडन बुक जो ये है, इसकी बुक रीडिंग सीरीज मैटकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी है, तो एक काम करो कि पहले अभी इस वीडियो को पॉज कर लो, और इसके बाद आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पर हम लोगों ने क्लेडन बुक रीडिंग सीरीज की एक प्लेलिस्ट डाल रखी है, या फिर आप हैशटैग जो इसके नीचे आ रहा है लिखकर उस पर क्लिक कर लो, लेट्स रीड इट। ठीक है, तो ये हमारा भाई स्लोगन है इस बुक रीडिंग सीरीज को पढ़ने का, कि लेट्स रीड इट, लेट्स रीड द क्लेडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये हमने एक छोटी सी मुहिम छेड़ी हुई है मैटकेम के यूट्यूब चैनल के थ्रू, कि हम क्लेडन की ऑर्गेनिक की जो ये बुक है, इसे पूरा कंप्लीटली डिटेल्ड वाइज बुक रीडिंग सेशन के थ्रू हम एक ऑडियो नोट में मैटकेम के यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, ताकि अगर आपको बुक में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, या फिर आपको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इसे पढ़कर अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स को क्लियर कर सके, ताकि आपको इसके बाद कहीं पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई एक अलग पॉइंट सीखने को मिलता है, तो उसे आप जल्दी से जल्दी कैप्चर कर लें। इसीलिए इसी सीक्वेंस में हम अपनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पढ़े हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन क्यों, मतलब रिएक्ट क्यों करते हैं, और रिएक्ट कैसे करते हैं, सबसे पहली बात क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, और जब मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं तो किस तरीके से हम उसे प्रेजेंट करते हैं एक मैकेनिज्म की हेल्प से, कि आखिरकार हम किस तरीके से इन एरोज को यूज करके इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरी प्रिसाइज मैनर। ठीक है, तो हम लोग अभी उसी एरो मैकेनिज्म में, जो एरो के द्वारा रिएक्शन की मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करना, ये हम लोग समझ रहे हैं, और अभी तक हम लोगों ने इसी सीक्वेंस में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। लेक्चर को बीच में रोका था, और इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इससे पहले हम लोग यही पढ़ रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एरो होता है, ये एरो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यहाँ पर क्या होता है, जहां से एरो स्टार्ट होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एनायन के पास हो सकता है, किसी एनायन का इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है, किसी न्यूट्रल एटम के पास अवेलेबल लोन पेयर हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कहीं पर अवेलेबल है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, वो भी आपका इस एरो की तरह के, मतलब वहां के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जहां से ये एरो स्टार्ट होता है, और ये एरो वहां जहां पर खत्म हो रहा होता है वहां पर ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पोजिशन से इस लास्ट पोजिशन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ये रिएक्शन मैकेनिज्म अभी तक देखते हुए आए हैं। अब इसी को हम लोगों को आगे बढ़ना है, और यहाँ पर हमारे एक नया केस आया हुआ है। ये कह रहे हैं, नाउ फॉर समथिंग कंप्लीटली न्यू, ट्राई ड्राइंग मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि कोई भी जो मॉलिक्यूल था, वो मॉलिक्यूल में जो आपका एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल था, वो न्यूक्लियोफाइल हमेशा हमें रिएक्शन में अलग से मिलता था, मतलब बाहर का हमारा न्यूक्लियोफाइल होता था। लेकिन ये एक ऐसा केस है जहां पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल विथिन द मॉलिक्यूल अवेलेबल होगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही एक न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल हैं, और ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर की हेल्प से इस 3 मेंबर्ड रिंग को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपकी 3 मेंबर्ड रिंग होती है, ये बहुत अनस्टेबल रिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर 60° बॉन्ड एंगल बनाना पड़ता है बॉन्ड्स को, और आपको पता है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स 109°28' पर स्टेबल होते हैं। तो अगर आप किसी कार्बन कार्बन बॉन्ड को, बॉन्ड एंगल को, अगर आप खुद ही सोचो इतने एंगल से 60° एंगल पर ले जाओगे, तो उसमें कितना ज्यादा स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, और स्ट्रेन डेवलप होने की वजह से ये जो रिंग होती है, ये बहुत अनस्टेबल होती है, पहली बात। दूसरी बात,
यहाँ पर ये जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कि इन कार्बन पर, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करता है। तो इस वजह से यहाँ पर अवेलेबल जो लोन पेयर है इनका ये बिहेवियर होगा, मतलब एक तरफ इलेक्ट्रॉन की अधिकता, एक तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी, तो सीधी सी बात है आपस में इंटरेक्शन होने वाला है। अब ये लोन पेयर जो अपना इंटरेक्शन करेगा, ये हम लोग कर्ली एरो मैकेनिज्म की हेल्प से अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन पर अटैक कराना चाहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का अटैक कहाँ पर होगा, कैसे होगा, किस तरीके से फैसिलिएट होगी ये रिएक्शन, इसके बारे में हमें इस पैराग्राफ में समझाया गया है। चलिए इसे हम लोग वन बाय वन जल्दी से जल्दी पढ़ लेते हैं और आप भी मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलिए। यू माइट वेल प्रोटेस्ट दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ आइदर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप थायोल और साइक्लिक ईथर। आपको ऐसा लगता होगा कि आपको केमिस्ट्री नहीं पता है, कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ आइदर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आपको ऐसा लगता है कि आपको फंक्शनल की कोई केमिस्ट्री नहीं पता है। थायोल ग्रुप की बात कर ली जाए, SH ग्रुप को थायोल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और साइक्लिक ईथर की बात कर ली जाए, ये आपका एक साइक्लिक ईथर है, ये ऑक्सीजन बॉन्ड दो कार्बन के साथ लगा हो तो उसे ईथर बोलते हैं ना, और अगर वो साइकिल में अवेलेबल हो तो उसको साइक्लिक ईथर बोलते हैं। But that as it may, you can still draw a mechanism. तब भी तुम mechanism show कर सकते हो। Ask first of all which bond have been formed and which broken. इस reaction को पूरा करने के लिए जो mechanism बनानी है उसमें आपको सबसे पहले समझना है कि किस bond को break किया गया है और कौन सा bond form हुआ है। किस bond को break किया गया है और कौन सा bond form हुआ है, आपको ये समझना है, ठीक है। Broken. Clearly, SH bond have been broken and a new carbon sulfur bond has been formed. सीधी सी बात है यार, यहाँ पर इसके बीच का ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है और यहाँ पर सल्फर का कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। ये सल्फर कार्बन बॉन्ड बना है ना, तो सल्फर कार्बन बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि इसके पीछे की कहानी तो लगभग ऐसी ही है जैसी यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है। द थ्री मेंबर रिंग हैज गॉन बाई द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन। इसी वजह से इस कार्बन के साथ एक CH2 ग्रुप लगा हुआ है और उसके साथ ये O ग्रुप लगा हुआ है। इसके साथ ये CH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ ये O ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ का हाइड्रोजन या फिर हो सकता है यहाँ पर एक नया हाइड्रोजन आकर जुड़ा हुआ है। ये बात आप ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। आज के बाद किसी भी रिएक्शन में हम ये बात हमेशा अप्लाई करेंगे। The three membered ring has gone by. The main chain of carbon atom is unchanged. Main chain carbon atom की unchanged है। ये CH2 group, ये दो और ये तीन, ये चार, ये अभी भी है, एक दो तीन चार, ठीक है, ये अपने पास अभी भी available है। अब क्या कह रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। All this is sketched in diagram in the margin. We suggest you now cover the rest of this page and try to work out a mechanism yourself before reading further. तो आप चाहो तो भाई इसको अपने मन से अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर NaOH अवेलेबल है, NaOH अवेलेबल है, तो आपको पता होना चाहिए NaOH के पास से क्या हमें अवेलेबल होगा। आयनिक कंपाउंड है, यहाँ से हमारे पास Na+ एज अ मेटल है और यहाँ पर ये OH- हमें मिलेगा। अब ये OH- क्या करेगा, OH- क्या है? देखो अगर OH- आपके पास अवेलेबल है तो ये क्या कर सकता है, ये या तो न्यूक्लियोफाइलिक अटैक कर सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल का काम करे, मतलब कहीं पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी मिले और उस पर अटैक कर दे। और इसका दूसरा एक और बहुत बड़ा रोल होता है, वो बेसिक रोल होता है कि अगर इसको H+ मिल जाए, और अगर इसको H+ मिल जाए तो ये H+ उससे लेकर एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना सकता है जो कि है वाटर, H2O बना देगा। तो H2O बनाने का जो एक तरीके से इसके अंदर ख्वाहिश होगी ना, वो बड़ी होगी, वो इसके अंदर ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ जाने का इसका रुझान ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये पहले प्रेफर करेगा H+ को ढूंढना। और अगर इसे कंपाउंड में कहीं पर भी एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाए तो ये तुरंत उस H+ को खा जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो आपका SH बॉन्ड होता है, ये SH बॉन्ड बहुत ही ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कंटेन करता है, ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। इसके कई रीजन होते हैं, पहली बात ये बॉन्ड वीक होता है, बड़ा बॉन्ड होता है, ठीक है, इस वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है। दूसरा, आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग सल्फर पर जो निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि आप इससे H+ लेकर जाओगे तो इससे निगेटिव चार्ज आएगा, और निगेटिव चार्ज जो आएगा वो निगेटिव चार्ज ध्यान रखिएगा इस सल्फर पर बहुत स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं और वहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्पर्स कर देगा, तो इतनी ज्यादा इसके अंदर दिक्कत आने वाली नहीं है।
अब ये लेगा कैसे, तो ये पहले OH माइनस का जो OH माइनस होगा ये नेगेटिव आयन है, एज ए न्यूक्लियोफाइल समझ लो तुम चाहे, ये अटैक करेगा किसके पर, इस हाइड्रोजन पर, कि भैया हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और कहेगा जो तुम्हारे हाइड्रोजन और सल्फर के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है ना तुम उसको ऐसे ब्रेक कर दो। तो मैकेनिज्म ऐसे ड्रॉ करी जाती है, OH माइनस पर ऐसे इसने अटैक किया और इस अटैक बॉन्ड को इस तरीके से ऐसे ब्रेक कर दिया गया, इससे क्या हुआ सल्फर पर निगेटिव चार्ज आया। अब निगेटिव चार्ज आया तो इसने इस पर इस तरीके से अटैक किया और बॉन्ड कौन सा ब्रेक किया जाए, ध्यान रखिएगा जो ज्यादा पोलर बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, ऑक्सीजन कहेगा भाई मुझे निगेटिव चार्ज दो। एक तरीका ये हो सकता है कि निगेटिव चार्ज इस तरफ बनाया जाए और एक तरीका ये हो सकता है कि निगेटिव चार्ज दूसरी तरफ बनाया जाए। मैं आपको दूसरा केस भी बना के दिखाता हूँ, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड ब्रेक किया जाए। अगर आप दोनों ही केस बनाकर देखेंगे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि फर्स्ट वाले केस में, ब्लू वाले केस में, तो आपका नेगेटिव चार्ज कहाँ आया, ऑक्सीजन पर आया। और दूसरे केस में हम लोग चलो बनाकर देख लेते हैं, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात हमेशा सीखी है कि अगर आपको कभी भी किसी भी चीज में डाउट हो कि यार यहाँ पे ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो लेट्स ड्रॉ बोथ मैकेनिज्म, दोनों मैकेनिज्म बनाकर देखते हैं। यहाँ पर अटैक किया गया है, इधर ये ओ लगा हुआ है और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना ये वाला, तो इसके साथ CH2 पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज बना है ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर बना है, और यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज आपका बना हुआ है ये कार्बन पर बना हुआ है। और आपको पता होगा निगेटिव चार्ज सब ज्यादा स्टेबल होता है कब, जब वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के पास होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के पास निगेटिव चार्ज होगा वो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अच्छी तरीके से होल्ड करके रखेगा और उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लो एनर्जी पर रखेगा, वो कंपाउंड स्टेबल होगा। तो इस तरीके से दो रास्ते हैं, लेकिन वो रास्ता अपनाया गया है जिससे स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द मैकेनिज्म दैट हैज बीन, मतलब ये रिएक्शन बनेगी। और इसके बाद आपके पास, इसके पास OH माइनस है और OH माइनस क्या करेगा, जो H2O बना था पहले हमारा, कहां से, इससे और इससे, यहां पर जो H2O बन रहा है ये H2O पर लास्ट में वापस ऑक्सीजन कहेगा ला इधर ऑक्सीजन दे मुझको, तो ये इसके ऑक्सीजन देकर यहाँ पर इस तरीके से ये फाइनल प्रोडक्ट बना देगा और OH- बाहर निकल जाएगा। योर मैकेनिज्म पॉसिबली डिडंट लुक एज नीट एज द प्रिंटेड वर्जन, बट इफ यू गॉट इट रफली यू राइट यू शुड बी प्राउड, तो इट्स टाइम टू प्राउड, ये क्योंकि हमारे बुक के राइटर हमसे कह रहे हैं, तो लेट्स अप्रिसिएट अवर सेल्फ। This is a three-step mechanism involving chemistry that is new to you and yet you can draw it the mechanism. So, एक बार सोचो जरा ये बुक में कितना प्यार से नहीं समझाया जा रहा, थोड़ा सा कि appreciate भी कर रहे हैं तुमको, तुमसे कह रहे हैं कि इतनी नई थी लेकिन फिर भी तुमने बना लिया। तो that's how this book is written. ये बहुत अच्छी तरीके से आपको represent करी गई है। अब इसके बाद इन्होंने last में कुछ इसमें कहानी निपटाई है कि curly arrows are vital for learning organic chemistry. Curly arrow can be used to explain द इंटरेक्शन बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कर्ली एरोस को यूज किया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो इंटरेक्शन है, मतलब एक तरीके से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कर्ली एरोस का यूज करते हैं। दियर रिएक्टिविटी इन वास्ट मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कितनी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको समझाई गई हैं। अनदर इक्वली इंपॉर्टेंट रीजन फॉर मास्टरिंग कर्ली एरो नाउ एज वी स्टार्ट द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दैट द सीमली वास्ट नंबर ऑफ डिफरेंट रिएक्शन आर नाउ नॉट टू बी सो वास्ट आफ्टर ऑल, मोस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ये एक फायदा इन्होंने बताया कि भैया देखो अब हम लोगों के लिए बहुत सारी रिएक्शंस है ना, अब इन रिएक्शंस में हमें कुछ ज्यादा खास डिफरेंस नहीं दिखेगा, हमें हर जगह यही बात समझ में आएगी कि अगर एरो घूम रहा है इसका मतलब है इलेक्ट्रोफाइल से न्यूक्लियोफाइल से, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब इट विल मेक द स्टडी सिंपलर। ठीक है, अब इन्होंने लास्ट में कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड दे दी है, बस अब ज्ञान की बातें ही रखी गई है यहाँ पर। स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर टू ड्राइविंग द मैकेनिज्म ऑफ कर्ली एरोस, यहाँ पर ड्रॉ आउट द रीजन एज क्लियर स्ट्रक्चर फॉलोइंग गाइडलाइन इन चैप्टर टू, चेक दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट रीजन एंड सॉल्वेंट आर अंडर द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, फॉर एग्जांपल इफ द रिएक्शन इज इन बेस कंडीशन विल वन ऑफ द एग्जिस्ट एज एनायन, बेसिक कंडीशन में होगा तो OH- वहां पर अवेलेबल होगा। इंस्पेक्ट द स्टार्टिंग मटेरियल एंड द प्रोडक्ट एंड द एसेट, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं, इनमें कुछ भी कहना मतलब खास नहीं है, तुम चाहो तो इसको पढ़ के
समझ लेना, बाकी जो तुमने पढ़ लिया अभी तक मैंने तुमको समझा दिया, बस वही आखिरी तुम्हारा खेल है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर पेजेस हैं, इसको आपको कोट कर लेना है। अब हम लोग का काम हो गया खत्म, ये चैप्टर हो गया खत्म सक्सेसफुली, तो ये इस चैप्टर का तो हो गया काम खत्म। लेकिन इस बुक में सेकेंड एडिशन मैंने उठाया था, इस बुक में इसके प्री क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, तो इसके लिए मैं इस बुक को ले रहा हूँ। ये बुक मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो थर्ड या फोर्थ एडिशन होगा, ये फर्स्ट एडिशन होगा। ये कुल मिलाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फिफ्थ चैप्टर के अब हम लोग क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन भी कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, और आपको क्वेश्चन कई अच्छे एग्जाम्स में सीधा इस बुक से देखने को मिलेंगे। चलिए इस चैप्टर 5 के क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, चलिए समझते हैं। ये कह रहा है ईच ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रोफिलिक, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफिलिक एटम एंड ड्रॉ अ मैकेनिज्म फॉर अ रिएक्शन विद अ जनरल न्यूक्लियोफाइल NU- गिविंग प्रोडक्ट इन ईच केस। अब कह रहा है कि आपके पास ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल दिए हुए हैं, इनमें सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफिलिक एटम कौन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एटम सबसे पहले पता करना है जिस पर अटैक कराना है, और फिर उस पर NU- से अटैक करा देना। चलिए वन बाय वन करा देता हूं। यहां पर देखिए आपके पास फर्स्ट केस जो बना हुआ है, ये फोर मेंबर रिंग है, यहां पर इस तरीके से कार्बोनिल कार्बन आपको बनाकर दिया गया है, ठीक है। ये वाला इसमें से जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एटम है वो कौन सा है, तुम खुद बताओ। ये कार्बन है, ये कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक एटम है, क्यों, क्योंकि इस पर ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा जा रहा है, ठीक है। और भी रीजंस है लेकिन फॉर द सिंपलिसिटी अभी इतना ही समझो कि ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो दिस इज अवर इलेक्ट्रोफिलिक एटम, ये हम लोगों ने। अब न्यूक्लियोफाइल से इस पर अटैक कराना है, तो NU- विल अटैक ऑन दिस कार्बन डायरेक्टली लाइक दिस, एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक लाइक दिस, ठीक है। अब हम मेरा कर्ली एरो थोड़ा सा घूम रहा है, तुम अच्छे से बना लेना। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, यहां पर मैं बना के दिखा देता हूं इस तरीके से। ऐसे ऐसे जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड में यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो इधर से घूम के इधर चला गया, तो यहां से क्या हुआ, ऐसे ही आपका ये NU आकर लगा और ऐसे आपका यहाँ पर O- आकर लगा। फिर से आप समझना, बॉन्ड ये भी ब्रेक किया जा सकता था, लेकिन हमने कौन सा ब्रेक किया, जिस पर निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर जा रहा है, तो इसलिए हमने इसको नहीं बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये बनेगा। फिर इसका अगर आप वर्कअप करा देंगे, मान लो इसमें वाटर डाल देंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर ये OH लग जाएगा, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। तो हम लोग इतना ये हर बार लेके रखेंगे, एनायन बनाकर नहीं छोड़ा करेंगे, उसको H+ या OH- जो भी चाहिए होगा हम उसको दे दिया करेंगे। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। वीडियो पॉज करके देख लेना अगर नहीं देखा तो। अगले केस में ये क्या कह रहा है आपसे कि अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अब इलेक्ट्रोफिलिक एटम इसका समझना है। तो ये भाई इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको हम लोगों ने H3O+ में समझा है कि ऑक्सीजन के साथ अगर तीन बॉन्ड लगे हों, यहाँ पर ये H+ है, यहाँ पर ये इस तरीके से है, और यहाँ पर इस पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के बाद इस कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, पता है क्यों बोला, क्योंकि इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल था। आपको पता होना चाहिए ना, कार्बन sp2 हाइब्रिड है, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिट के साथ sp2, तो एक पी ऑर्बिटल बच गया है जो कि वैकेंट है, वही वैकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स लेगा इस न्यूक्लियोफाइल से, तो इसलिए इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स तो सही तरीके से गए हैं, मतलब यही इलेक्ट्रोफिलिक एटम है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के पास वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स लेने के लिए कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि इसने ऑलरेडी तीन बॉन्ड बना रखे हैं, और ये तीन बॉन्ड पता है कैसे बनाए इसने, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, 2.6, 6 का मतलब क्या हो गया कि 2s2 एंड 2p4, p4 का मतलब क्या हो गया कि तीन ऑर्बिटल p और उनमें 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब जब हमने इस पर पॉजिटिव चार्ज लगाया तो इससे एक इलेक्ट्रॉन गया, जब एक इलेक्ट्रॉन गया तभी ये तीसरा बॉन्ड बना पा रहा है, क्योंकि अब इसके पास तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से इसने तीन बॉन्ड बना लिए, यहाँ पर एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, अब इसके पास कोई ऑर्बिटल बचा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो जब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ऑर्बिटल नहीं है तो ये ऑक्सीजन एटम इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल इन दिस केस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन बन जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है तुरंत आपका ये हाइड्रोजन एटम जो कि H+ की तरीके निकल सकता है। सो इन दिस केस द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस प्रोटॉन, समझ में आई बात, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सी, देखो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये कार्बन भी तो है, आप कहोगे ये वाला कार्बन भी तो है, तो हाँ है, लेकिन फॉर द रिएक्शन जो सबसे पहले रिएक्ट करेगा वो ये हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी आप बात समझते चलो तुम ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम, ये कार्बन एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और कार्बन की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस थोड़ा कम है, हाइड्रोजन तो प्यारा सा कार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन देखो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, फिर इसके बाद लिथियम,
बेरेलियम बोरॉन कार्बन, आपको पता है लेफ्ट से राइट आप जा रहे हो तो लेफ्ट से राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, सेम पीरियड में है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये इस ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से नहीं खींचने देगा इस बॉन्ड पेयर के। तो इस बॉन्ड पेयर पर जब ये ऑक्सीजन अपना हक जताने की कोशिश करेगा तो वो कहेगा भैया माना कि तुम ऑक्सीजन हो, बड़े दिग्गज हो तुम, लेकिन हमारे पास भी थोड़ी सी कार्बन है, थोड़ा हमारी भी इज्जत करो। फिर लेकिन ये कहेगा अच्छा ठीक है यार तुमने इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो सुनो इधर हाइड्रोजन तुम बताओ दे दो इलेक्ट्रॉन यार, हमारी कुंडा ही देखो, हम देखो मिर्जापुर के कुंडे हैं। तो कहेगा अरे यार हम गरीब आदमी, हम इधर खड़े हुए हैं सबसे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिए हुए, अब तुम कुंडा ही करोगे तो ले ही जाओगे। तो भैया यहाँ पर कुछ इसी तरीके से ऐसा होता है कि ये प्रोटॉन जो बॉन्ड पेयर है, इस बॉन्ड पेयर पर हक ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन वाले बॉन्ड पर ये ऑक्सीजन ज्यादा जताता है। जब ये बॉन्ड पेयर अपनी ओर ज्यादा खींचता है तो इस हाइड्रोजन को होती है कमी महसूस, और जब जब कमी महसूस हुई है, भले वो कोई रिश्ता हो भले वो कोई भी चीज हो, जहां जहां पर कमी महसूस हुई है तो उसके अल्टरनेट में इंसान ने एक्शन लिए हैं। ठीक है, तो एक्शन लेगा यहाँ पर ये आपका जो हाइड्रोजन है, ये कहेगा चलो साथी जो आपको मुझे अब पैसा देगा मैं उसकी तरफ भागूंगा। तो ये तुरंत न्यूक्लियोफाइल की तरफ से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा और इसके पास आपको अटैक करने के लिए, अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा स्टार में आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, तो सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये अटैक होगा, इसको हम लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से समझा, होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिक सा है, कई कई बार आपसे पूछेगा कोई, या तो आपका कोई स्टूडेंट पूछेगा या फिर आपका कोई मित्र या फिर आपसे कोई एग्जामिनर। अगला इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, आपको पता है आप न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना, इसको इसे मोड़ देना। ठीक है, यहाँ पर OH माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड अगला केस क्या कर सकते हैं, देखो अगला यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इसका अगर ये आपसे कहे कि प्रोडक्ट पूछना है तो प्रोडक्ट देखो, चलो इसको देख लेते हैं, सब केस इंटरेस्टिंग ये है जितने भी देख रहे हैं हम लोग। चलो कहाँ गया भैया, हाँ यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस तरीके से, इस पे अटैक करने से क्या हुआ, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर आपके पास ऐसे CO ग्रुप बन के आ गया, यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ये ओ माइनस और यहाँ पर ये NO। अब ये मैं तुमको एक और इंटरेस्टिंग इसकी स्टेप बताता हूँ आगे वाली, इसके आगे क्या होगा कि ये ऑक्सीजन वापस इंटरनल अटैक करेगा इस बॉन्ड पे, कहेगा ये ऑक्सीजन से कहेगा सुनो तुम, मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तुम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो। ठीक है, तो ये वापस इंटरनल अटैक कर सकता है, ध्यान रखना ऐसा कई बार होगा कि कार्बोनिल ग्रुप में ऐसे ऐसे करके ऐसे करके कई बार न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद इस ऑक्सीजन पर आया निगेटिव चार्ज के पास अगर एक कोई रास्ता ऐसा है कि अपने कार्बोनिल जो नेचर को है वो अटेन कर सके, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप थोड़ा स्टेबल ग्रुप होता है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप अपने ग्रुप को अटेन करने के लिए इस नेगेटिव चार्ज से वापस ऐसे अटैक कर सकता है। और यहाँ पर इसका मतलब ये होता है इस बॉन्ड का कि इसने क्या किया, इस कार्बन को फिर से इलेक्ट्रॉन दिया और कहा कि सुनो मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, मैं तुमसे बॉन्ड बना रहा हूँ, तुम ऐसा करो कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, कि तुम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, मैं तुम्हें इसके सिग्मा स्टार में कह सकते हो, या फिर तुम कहोगे कि वो कहेगा कि ये वाला बॉन्ड तुम ऐसा करो ब्रेक करो, उसके बदले तुम हमसे इलेक्ट्रॉन लो, हमसे बॉन्ड बना लो। इसे कहते हैं इंटरनल अटैक होगा यहाँ पर इस तरीके से, और ये वाला बॉन्ड अब इस बार ब्रेक होगा, और इसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये CO ग्रुप दे रखा है, यहाँ पर ये O माइनस ग्रुप, यहाँ पर ये इस तरीके से ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। अब देखो क्या हुआ, ये इस कार्बन के पास एक नंबर कार्बन, दो नंबर कार्बन, तीन नंबर कार्बन, चार नंबर कार्बन, तो एक नंबर कार्बन, दो नंबर कार्बन, तीन नंबर कार्बन, चार नंबर कार्बन पर क्या हुआ, CO ग्रुप आया है ये, और इस तरीके से ये आपका NU ग्रुप आया। अब रिएक्शंस और हो सकती हैं इसका, पहले तो वर्कअप कराया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर वर्कअप का मतलब होता है H+ दे देना, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो बस आपको यहाँ पर मैकेनिज्म समझनी है, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिस क्वेश्चन से आपको सही या गलत आपको सिद्ध करना है, आप कितना भी चाहें रिएक्शन करा सकते हैं आगे। ऐसे ही ClCl बॉन्ड में आपसे कह रहा है इलेक्ट्रोफाइल, तो भैया यहाँ पर तो किसी को भी इलेक्ट्रोफाइल मान लो, यहाँ पर तो ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा का सिग्मा स्टार, तो सिग्मा स्टार जिसका भी मांग लो तुम, चाहो तो कार्बन क्लोरीन एटम को मान लो, चाहे तो इस क्लोरीन एटम को मान लो, जिस सिग्मा स्टार पर ही कुल मिलाकर
आपका जाएगा लोन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो सिग्मा स्टार तो एक ही होगा क्योंकि एक ही सिंगल बॉन्ड है, तो इसके सिग्मा स्टार पर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अटैक करे जाएंगे और इससे जिस क्लोरीन पर अटैक होगा वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा और ये वाला इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस वाले केस में आप जब देखेंगे तो यहां पर अगर न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल किस बॉन्ड पर अटैक करेगा, जब भी आपके पास सल्फर, ऐसा मान लो सल्फर के साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पर अटैक होगा, लेकिन सल्फर के साथ अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो उस केस में क्या होता है कि जो सल्फर और क्लोरीन का ये मान लो बॉन्ड है तो ये इतना स्टेबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो और यहां पर इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सल्फर, तो यहां पर ये सल्फर आपका इलेक्ट्रोफिलिक एटम है और इस सल्फर क्लोरीन बॉन्ड के बीच में जो ये इसका रीजन कौन है, ये सल्फर क्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका रीजन है। और यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस सल्फर वाले HCl बॉन्ड के सिग्मा स्टार पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां पर इस तरीके से ब्रेक होगा। इसी तरीके से यहां पर ये कार्बन पर H+ बना हुआ है तो यही है आपका, इस केस में आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक एटम है वो हाइड्रोजन ही, यही है आपका, कार्बन ही है और न्यूक्लियोफाइल यहां पर आकर इससे डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस है। अब आगे क्या कह रहा है तुमसे, चलो देखते हैं आगे वाला केस देख लेते हैं। आगे तुमसे क्या कह रहा है कि ईच ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज न्यूक्लियोफिलिक, ये सारे के ईच ऑफ दिस मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक, आप कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक, आप क्या कह रहा है आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफिलिक एटम, ईच ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है भैया न्यूक्लियोफिलिक है, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफिलिक एटम एंड ड्रॉ मैकेनिज्म फॉर रिएक्शन, भैया यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक नहीं यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक होगा, तो हमने ये थोड़ी सी गलती निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक एटम निकालना है, ड्रॉ मैकेनिज्म विद इलेक्ट्रोफाइल, तो भैया यहाँ पर कार्बन जिस पर इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है वो आपका न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज अवेलेबल है। यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रेट, इस वाला केस तुमको पता है ना, यहाँ पर क्या होता है ये सिग्मा बॉन्ड अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पर, तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एटम है, ठीक है। या फिर न्यूक्लियोफिलिक एटम की बात करें तो Al को भी बोल सकते हो या फिर AlH को भी बोल सकते हो। NH2 में यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इस ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक रिएक्शन करेगा, यहाँ पर जो आपका मैं कहूंगा जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पर इस केस में आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पर इस जमे न्यूक्लियोफाइल है वो आपका सल्फर एटम है आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये जनरल कुछ पॉइंट्स हैं और इसके आगे और आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं, कंप्लीट दिस मैकेनिज्म बाय ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट इन दिस केस, तो ये इसने इस पर अटैक किया, इसने यहाँ से किया, तो इसे स्ट्रक्चर ही बनाना है, बताओ क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है कर लो, यहाँ पर क्या करना है स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस OH ने इस H को लिया तो क्या हुआ वाटर निकल गया, सबसे पहली बात तो, ठीक है। सेकंड केस क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और ये बॉन्ड बाहर निकल गया, तो इसका मतलब है यहाँ पर इस तरीके से ये CO ग्रुप बनकर आ गया और Cl- यहाँ पर आपका बाहर निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से ये इस NH2 ने क्या किया है, इस पर इसे बोलते हैं SN2- अटैक, ये तुम पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है। SN2 तो पढ़ा ही होगा जब डायरेक्ट अटैक हो जाए, लेकिन उसके बगल में अगर डबल बॉन्ड अवेलेबल हो तो उसे SN2- अटैक कहते हैं, आगे चल के पढ़ोगे। कुल मिलाकर यहाँ पर इसने अटैक किया तो अटैक करने से क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा यहाँ पर और इसकी वजह से इंटरनल अटैक होने की वजह से ये ब्रोमीन बाहर हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ऐसे 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 यहाँ पर ये एक 5-membered रिंग और यहाँ पर इस तरीके से ऐसे और यहाँ पर आएगा आपका क्या, जब इसने अटैक किया तो डबल बॉन्ड कहाँ गया आपका, यहाँ पर आ गया, ठीक है। पहले इस जगह पर था, अब यहाँ पर आ गया और ब्रोमीन बाहर हो गई और वो ब्रोमीन माइनस इस NH2 के पास जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके H+ को अटैक करके ले जाएगी और HBr निकल जाएगा और यहाँ पर नॉर्मल NH ग्रुप लगकर रह जाएगा, क्या लगेगा NH ग्रुप लगकर आ जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है ईच ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल कुड रिएक्ट विद अ न्यूक्लियोफाइल एट टू डिफरेंट एटम्स, कह रहा है कि ईच ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल कुड रिएक्ट विद अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इन पर दो जगह अटैक कर सकता है, आइडेंटिफाई दिस एटम्स ड्रॉ अ मैकेनिज्म, कि इस कार्बन इस इलेक्ट्रोफाइल पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो दो जगह अटैक कर सकता है। तो देखो एक तो कार्बोनिल ग्रुप की तरीके, एक ये न्यूक्लियोफाइल इसके कार्बन पर अटैक कर सकता है, दूसरा ये न्यूक्लियोफाइल
जो है इसके प्रोटॉन को खाने की अगर कोशिश करे तो इसके सिग्मा स्टार पर अटैक करके इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो एक तो इस पर अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर सकता है, दूसरा OH बॉन्ड पर जो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट करी है ना इस ऑक्सीजन की गुंडाई ने, उसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल क्या करे, जब भी न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से अटैक करता है जहां पर वो प्रोटॉन ना खा रहा हो तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर, और जब भी प्रोटॉन क्या करे H+ को खा रहा हो तो उसे न्यूक्लियोफाइल नहीं बेस कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? बेस कह दिया जाता है। बेस कब कहते हैं? जब एक न्यूक्लियोफाइल ही H+ खाने के लिए तैयार हो जाए, अगर उसने H+ लिया तो वो बेस का काम कर रहा है, और जब उसने H+ ना लेकर सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर दिए किसी दूसरे एटम को रेदर देन हाइड्रोजन, देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर। तो न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर ये दो चीजें होती हैं यहाँ पर इसमें आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर इसकी बात करी जाए तो एक तो देखो कहाँ पर हो सकता है, एक तो हो सकता है इस जगह और दूसरा हो सकता है OH बॉन्ड पर, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपका आप बेस ले रहे हो या न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो, ठीक है। अब वो आगे आप रिएक्शन में आपको क्लियर होता चलेगा, उसकी चिंता ना करो। अब क्या कह रहा है, पुट इन द एरो इन दिस रिएक्शन स्ट्रक्चर, कह रहा है एरो बना दो भैया। अब देखो एरो बनाना है तुमको, तो एरो बनाने के लिए देखो तुमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपका ये स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के साथ आपके साथ ये कुछ इस तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर है। अब कह रहा है इससे ये बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, ये इससे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो एक बार वीडियो पॉज करके जरा इसे ध्यान से देखो और समझो, सोचो कि क्या इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो अब जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का, मेनली हमें क्या देखना है यहाँ पर, क्या समझना है कि यहाँ पर जो आपका ये ऑक्सीजन है ना, ये मतलब इस प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट पर हम पहुंचेंगे कैसे। इसका मतलब है कि इस वाले कंपाउंड से अगर ये हाइड्रोजन हट जाए और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए, और यही हाइड्रोजन जाकर कहाँ जुड़ जाए, ये हाइड्रोजन जाकर, क्योंकि इस कार्बन पर अब दो हाइड्रोजन आएंगे, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है इसका मतलब। और ऐसा आपने केस देखा था जब AlH4 में ये ग्रुप ऐसे बाहर निकल रहा था, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर होगा आपके इस केस में। यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वो इस जगह है और इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ है, इस जगह है, तो ये इलेक्ट्रॉन पर इंटरनल अटैक करेगा इस कार्बन बॉन्ड पर, जिसकी वजह से ये AlH4 में जैसे हाइड्रोजन निकल रहा था ना यहाँ पर, इस तरीके से ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये हाइड्रोजन ही इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक कर देगा और ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा और आपका ये कंपाउंड इस तरीके से मिल जाएगा। जब ये इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनेगा, तो आपका ये कंपाउंड इस तरीके से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। अगला वाला जो केस है ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, इसको मैं मैकेनिज्म की हेल्प से भी समझाता हूँ और तुम्हें साथ ही साथ बहुत हल्के तरीके से भी समझाता हूँ। देखो ये समझो, ये इधर गया, ये वाला बॉन्ड इधर गया, ये वाला बॉन्ड इधर गया, और ये वाला बॉन्ड इधर गया, और ये वाला बॉन्ड इधर निकल गया। अब जब मैं पहली बार इसको देखता था तो मुझे लगता था कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आता था। तो मैं इसको क्रैक डाउन करके हल्के तरीके से समझता था कि भैया अभी नहीं, अभी एरो एरो नहीं घुमाओ, अभी थोड़ा समझ के चलते हैं यार, क्या दिक्कत है इतना ज्यादा एरो भगाने की। तो इस केस में क्या करता था मैं, वही देखो तुम उस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। कौन सा कलर ले लें, चलो ये ले लिया। मैं कह रहा था कि यहाँ पर मैंने जब इससे इंटरनल अटैक किया तो इंटरनल अटैक करने से क्या हुआ कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अब मैं इस नेगेटिव चार्ज को तो हटा नहीं सकता हूँ, मैं उस नेगेटिव चार्ज को सोचो खत्म हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, ये हो गया सिंगल बॉन्ड क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, इस डबल बॉन्ड पे अटैक किया, मतलब पाई स्टार पे अटैक किया, जिसकी वजह से ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हो गया। तो अब क्या हुआ, कुल मिलाकर जैसे यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड था ना, लेकिन सिंगल बॉन्ड ने क्या किया है, अटैक किया। जरा ध्यान से देखना स्क्रीन पर, इस समय ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पर ये बन गया सिंगल बॉन्ड क्योंकि इसने इस पर अटैक किया, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर भी आ गया अब सिंगल बॉन्ड क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसकी वजह से निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो एक निगेटिव चार्ज एक डबल बॉन्ड पर अटैक कर सकता है, ये ध्यान रखना, अगर वो आगे कहीं पर, अगर उस प्रोसेस में आगे चलकर कोई लीविंग ग्रुप लगा हुआ है तो यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल इस डबल बॉन्ड पर अटैक कर सकता है, इसके पाई स्टार पर एक तरीके से अटैक करता है, ठीक है। पाई स्टार की एनर्जी कम होती है इस वजह से, तो पाई स्टार पर अटैक करता है तो ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो सकता है, ठीक है। ज्यादा ये थोड़ा सा पतला हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल है वो आपके पाई बॉन्ड पर ब्रेक अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल ने इसके पाई बॉन्ड पर अटैक किया और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ।
जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आया, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह ये सिंगल बॉन्ड आया और ये भी सिंगल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर आया निगेटिव चार्ज, अब ये निगेटिव चार्ज क्या करे, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा कि इस कार्बन से वही बात कहेगा जैसे कि यहाँ पर आप पहले हम लोगों ने देखा कि ये इस पर इंटरनल अटैक करेगा और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने का फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि निगेटिव चार्ज जो पहले रिएक्शन से पहले, निगेटिव चार्ज जो रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन पर था वो अब ऑक्सीजन की जगह ब्रोमीन पर चला गया है। ब्रोमीन ऑक्सीजन पर भी स्टेबल था, बट देखिए यहाँ पर सिक्स मेंबर रिंग फॉर्म हुई है, सिक्स मेंबर रिंग फॉर्म हुई है और सिक्स मेंबर रिंग स्टेबल रिंग होती है, प्लस साथ ही साथ कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म हुआ है इसलिए कार्बोनिल ग्रुप भी फॉर्म स्टेबल हुआ है। यहाँ पर बेसिकली हमारा एम ये नहीं है कि क्या बनना है क्या नहीं बनना, इससे अगर ये बनाना है तो ऐसे ही बनेगा। और जहां पर आपको ये बात समझ में आ गई, जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था तो उसने जब इंटरनल अटैक किया तो वो डबल बॉन्ड बनेगा, वही डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। आप सब लोग भी इसे बिल्कुल अपने मन से ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द मैकेनिज्म ऑफ दीज रिएक्शंस, इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म। यहाँ पर ये OH ग्रुप लगा हुआ है और OH ग्रुप BR ग्रुप की जगह यहाँ पर ये OH ग्रुप आ गया। ठीक है, तो ये कैसे आया, ये हमसे ये पूछना चाह रहे हैं आखिरकार ये कैसे आया। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये इस तरीके से ऐसे 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 करके ये आपका ये BR ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर OH माइनस, कहाँ पर कौन सा OH माइनस है, ये OH माइनस है NaOH से निकला हुआ OH माइनस। OH माइनस यहाँ पर इसके पास दो काम हो सकते हैं, या तो ये कहेगा ये वाटर से H दे दो यार, जो वाटर पड़ा हुआ है उसे कहेगा यार अपना H दे दो, तो ये जैसे ही वाटर से H लेगा दूसरा OH माइनस बन जाएगा। तो इसका मतलब वाटर से OH लेने पर तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, सॉल्यूशन में आपके पास OH माइनस तो रहेगा ही रहेगा। अब OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस इस कार्बन की गरीबी को समझेगा और ये इस पर SN2 अटैक करेगा और इस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से आपका OH ग्रुप बनकर आ जाएगा। इसके बाद एक बात और मुझे ध्यान में आ रही है तो वो भी मैं तुमको बताता चलता हूँ। यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एटम होगा ना, न्यूक्लियोफिलिक एटम होगा, वो न्यूक्लियोफिलिक एटम होगा ये फास्फोरस वाला एटम। ऐसा क्यों, क्योंकि फास्फोरस के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन के लोन पेयर लो एनर्जी के हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसने अपने लोन पेयर्स को अपनी तरफ एकदम न्यूक्लियस की तरफ खींच रखा है। और जो कम एनर्जी का होता है वो सुस्त आदमी होता है, सीधी सी बात है आपको ही पता है। तो कम एनर्जी वाली चीज स्टेबल होती है, इस वजह से वो रिएक्ट नहीं करेगी, और तो फास्फोरस के लोन पेयर पहले रिएक्ट करने के लिए तैयार रहेंगे, तो ये फास्फोरस रिएक्ट करेगा आपके इलेक्ट्रोफाइल से। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ कार्बन के पास तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए नाइट्रोजन क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा। ठीक है, तो ये बात याद आई, थोड़ा सा अलग बता दिया था तो वो बता दिया मैंने। आगे आपसे क्या कह रहा है, इस केस में कह रहा है ET2, ये आपका है एक तरीके से इस तरीके से ऐसे, ये ET ग्रुप है, ये ऐसे और ये लगा हुआ है SH ग्रुप। ठीक है, आगे इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है आपसे, NaOH डाला हुआ है तो यहाँ पर ये OH माइनस अवेलेबल है, OH माइनस अवेलेबल है। नेक्स्ट केस में यहाँ पर ये BR ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर ये H2O ग्रुप लगा हुआ है। तो आपको पता है OH माइनस, OH माइनस को सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है, सबसे ज्यादा वो खुश किस चीज से होता है पता है, अगर तुम इससे एक तरफ इसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो और दूसरी तरफ तुम इसके सामने H प्लस रख दो तो ये भैया माया में नहीं फंसेगा, ये अपना साथी ढूंढेगा और H प्लस के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा, क्योंकि वाटर बहुत स्टेबल लिविंग ग्रुप है, दैट इज द मेन रीजन। तो यहाँ पर ड्यू टू दिस SH बॉन्ड, जैसे ही SH बॉन्ड दिखा ये OH माइनस की जीप लपलपाई और ये सबसे पहले इस SH बॉन्ड पर अटैक करके अपना H प्लस लेके चला गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह अब तुम इसको करना ताकि मैं पूरा एकदम लिख के नहीं दिखा रहा हूं। यहाँ पर इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर आया इस पर S माइनस। अब इस S माइनस ने क्या किया, यहाँ पर ये जो ये आपका इस तरीके से BR ग्रुप है, ये BR ग्रुप है, इस पर इसने अब क्या किया, इसके सिग्मा स्टार पर अटैक किया और इस बॉन्ड को इस तरीके से बाहर निकाल दिया। आ रही बात समझ में, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर ये सल्फर आ गया, इसके साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन और ये कार्बन, इस तरीके से भाई ये कहानी है जुड़कर आ गई। अब जरा ध्यान से देखो, कार्बन सल्फर बॉन्ड बहुत स्टेबल बॉन्ड नहीं होते हैं क्योंकि ये 2p है, ये 3p है, तो यहाँ पर क्या है, वीक बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो आपका ये OH माइनस है, ये OH माइनस अब अटैक करेगा क्योंकि अब इसके पास प्रोटॉन नहीं बचा, तो ये प्रोटॉन अब इसके पास नहीं है, तो अब प्रोटॉन नहीं है तो ये कहेगा ठीक है भैया चलो हम अपना काम दिखाते हैं, और ये इस कार्बन पर क्या करेगा,
अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, या फिर इस केस में बोला जा सकता था, लेकिन ऐसे होगा यहाँ पर और इस तरीके से ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे, ये आपका इसके बाद OH ग्रुप लगकर आ जाएगा। ठीक है, तो तुम देख लेना मैंने कहीं पर एक दो प्रोटॉन तो नहीं खा गया हूँ, बाकी वैसे नहीं खाया है। बाकी तुम इस चीज को फिर से वीडियो को पीछे करके देखो जो मैंने तुमको बताया है। सबसे पहले NaOH क्या करेगा, ये वाला, हाँ यहाँ वाला NaOH क्या करेगा, इस SH को खाएगा क्योंकि ये पहला उसका मेन स्टेप होगी। फिर S- बनेगा, वो इस पर अटैक करेगा, फिर ये ग्रुप बनेगा थायो ईथर कह सकते हो ना इसको, फिर इस पर OH- जो बचा हुआ है वो अटैक करेगा और तब आपका, अच्छा नहीं फाइनल प्रोडक्ट इन्होंने यही बना दिया, सो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट गिवन। तो अब हम इसके आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, तो आगे वाली स्टेप की ऐसी की तैसी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आप इन्होंने दे रखा है, क्या कह रखा है, HBr दिया हुआ है। तो HBr दिया हुआ है तो HBr से OH ग्रुप कैसे बनेगा, तो जरा ध्यान से देखते हैं इस चीज को। यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ पर कर लेते हैं, ऐसे 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 करके ऐसे, यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर ये O और यहाँ पर ये CH3 और HBr। तो HBr में इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको देगा ताकि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, और ये बॉन्ड वैसे ब्रेक होने के लिए तैयार ही बैठा है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये क्या आया CH3। या फिर इसको मैं थोड़ा और क्लियरली बना लूं, हमारा काम अभी सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि प्रोडक्ट जो बनाया गया है वो कैसे बनेगा, क्यों बन रहा है, इस चीज को हम लोग आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है, अभी पहले सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक रिएक्शंस बनाना सीखो, ये बता रहे हैं ये। तो यहाँ पर क्या हुआ, Br-, अब Br- क्या करेगा, Br- सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, हमें प्रोडक्ट में क्या बनाना है, OH ग्रुप बनाना है। तो OH ग्रुप बनाना है तो हम इसका SN2 अटैक कराते हैं इस कार्बन पर। SN2 वर्ड मैंने यूज कर लिया, वैसे नहीं करना था यहाँ पर, इसने इस सिग्मा स्टार पर, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन लेकर कह रहा है भैया दे दे मुझको, दे 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 दे, इससे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफिलिक काम कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पर कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही ये वाला इसका ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके साथ एच तो लगा हुआ था ना, ये एच जो यहाँ से इसने अटैक किया था, तो यहाँ से क्या हुआ, ये CH3Br बन गया, और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, और ये आपका OH ग्रुप बनकर आ गया। ठीक है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनकर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ अ मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन, PH CHBr.CHBr.COOH और NaOH। तो ये भाई इसमें हिंट भी लिखी हुई है, तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप इसको लिखिएगा और इसको लिखने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इसका मतलब एक तरीके से अपना आंसर लिखकर मुझे पूरी मैकेनिज्म लिखकर उसका फोटो मुझे भेजिएगा। टेलीग्राम पर हमारे दो मतलब एक तरीके से दो वो हैं, क्या हुआ कुछ नहीं, टेलीग्राम पर हमारा एक तो ग्रुप होता है, ठीक है, एक तो ग्रुप होता है, उस ग्रुप में 5000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं इस समय करंटली, और एक होता है चैनल। ठीक है, दोनों का नाम ही मैटकेम क्लासेस ऑफिशियल है, और हमने अभी चैनल का लिंक दे दिया है, और चैनल के लिंक के साथ साथ ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा वैसे मैं इस वीडियो में, तो वहां से आप क्या कर लेना, हमारे ग्रुप को भी सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, चैनल में कर नहीं सकते हो, इसलिए उसको पोस्ट मत करना, उसे सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से मैटकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जितनी भी वीडियोस आती हैं उसकी नोटिफिकेशन हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर हम फ्री टेस्ट, फ्री असाइनमेंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ग्रुप आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा @MatCamClassesOfficial के नाम से। ठीक है, @MatCamClassesOfficial, चैनल मिलेगा @MatCamClassesLive के नाम से। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन, हम लोगों ने खत्म कर लिया अपना 5वां चैप्टर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये समझना है हम लोगों को, मतलब कार्बोनिल ग्रुप पर हम लोग अपने न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करने वाले हैं। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हमें ये चीज़ पढ़नी है, और नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी ही आएगी, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाए। 5वां लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इस तरीके से हम लोगों ने कीमो सेलेक्टिविटी, रेजियो सेलेक्टिविटी और ऑर्गेनिक रिएक्शंस के क्लेडन के ये 3 चैप्टर हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप क्या करिए,
उसे देख लीजिए और अगले सेशन का इंतजार करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन।